जैसे जैसे उपचुनाव के मतदान का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। निशाना सिर्फ पार्टी या किसी नेता पर नहीं लग रहा है, अब सीधा चुनाव आयोग पर ही सवाल उठने लगे हैं। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे कांग्रेस के मीडिया विभागाध्यक्ष हर्षवर्धन चौहान ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को बीजेपी का एजेंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 100 से ज्यादा शिकायतें की हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि ये सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि पार्टियों की रैलियों में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। रैलियों और जनसभाओं में बिना मास्क के लोगों की भीड़ दिख रही है। आईसीएमआर पहले ही तीसरी लहर को लेकर हिमाचल को अलर्ट कर चुका है, उसके बावजूद यहां उपचुनाव में डराने वाली तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। आज हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इश्यूज हैं, विशेष करके जो महंगाई है, बेरोजगारी है, और बीजेपी के लोग इन इश्यूज से जो लोगों का, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे इश्यूज को जो नॉन इश्यूज हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री और मंत्री और सरकार जब जनता में जा रही है वो अपनी उपलब्धियां पेश करें, मगर इस सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। और हमारी जो GDP है और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हिमाचल प्रदेश के माइनस में है, सिवाय पूरी घोषणाओं करने से जो है वो जनता विश्वास नहीं करती है। जो विधानसभा में आंकड़े हैं, पिछले वित्तीय वर्ष का हमारा जो GDP है वो -7 है, और इस वित्तीय वर्ष में भी हमारा जो है वो GDP जो है अभी भी माइनस में है। तो कोरी घोषणाएं करना जो है वो मुख्यमंत्री और सरकार की जो पुरानी आदत है। आज महंगाई चरम सीमा पे है, गैस का सिलेंडर 1000 के पार है, और डीजल पेट्रोल जो 105 रुपये प्रति लीटर है, डीजल 95 प्रति लीटर है, और हमारे जो खाद्य की चीज़ें हैं, चाहे तेल है, वो 225 रुपये लीटर है, और हर चीज़ जो है आज महंगाई की मार जो जनता झेल रही है। आज कर्मचारी, किसान, बागवान, आज हर व्यक्ति परेशान है। सरकारी कर्मचारियों को बहुत सारे इश्यूज हैं, 6th Pay Commission की जो रिकमेंडेशन है, और 6th Pay Commission का लगभग कोई 6000 करोड़ हिमाचल सरकार ने देना अभी तक नहीं दिया है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो जनता के बीच में है, और हम चाहेंगे कि इन इश्यूज के आधार पे जनता जो है वो वोट करे। और मेरे को विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी तीनों विधानसभा चुनाव में और मंडी लोकसभा चुनाव में जीतेगी। और एक और बात है, जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसमें भी प्रश्न चिन्ह है, और इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट्स दी है, चाहे उसमें पब्लिक प्लेसेस को यूज़ करने की बात है, सरकारी कर्मचारी जो है वो प्रचार में डटे हुए हैं, मगर जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन से संबंधित ऑफिसर्स हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और इन्होंने जो है दोहरा मापदंड जो है वो अपनाया हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर हो और एक न्यूट्रल प्लेयर के रूप में जो है वो रोल अदा करे। और हमें अंदेशा भी है ये कि बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों में, विशेष करके सराज में, बंजार में और द्रंग में जो है वो बूथ कैप्चिंग भी हो सकती है। देखो, हमारे कांग्रेस पार्टी ने 100 से अधिक कंप्लेंट दी, उसमें कोई एक्शन नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो BJP के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और विशेष करके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और SDMs जो हैं, जो रिटर्निंग एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, वो BJP के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो है वो समय पे पता लगेगा, मगर जो 80 साल से अधिक लोग हैं जिनको वोट डाला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की टीम जा रही है और वीडियोग्राफी कर रही है, और वो प्रेशराइज किया जा रहा है उन लोगों को कि वो हमारे सामने जो है वो उस पर बैलेट पेपर पे मोर लगाई, जो गलत है, जबकि ये सीक्रेसी होती है। वोट का जो मत अधिकार है और जो करना है, वोट डालना है, वो एक सीक्रेसी है, मगर BJP के जो सरकारी जो पार्टी जा रही है वो BLO, जो BJP का BLO जो उसको साथ साथ ले जा रही है, और कांग्रेस के BLO को ले नहीं जा रही है। तो हम इलेक्शन कमीशन से भी निवेदन करेंगे, एक बहुत अच्छा कदम इलेक्शन कमीशन ने उठाया है, जो 80 साल से अधिक लोग हैं, मगर उसकी जो सीक्रेसी है उसको बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए।